नमस्ते मेरे YouTube फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही चटाकेदार और झटपट से बनने वाला नाश्ता की रेसिपी, जिसे बनाने वाले हैं हम लोग मिलके सूजी से। सूजी का नाश्ता बनाना इतना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि इसको ना ही आपको फूलने के लिए डालना है, ना ही आपको पीसने की झंझट है। आप भूल चुके हैं कि कोई चीज़ हमें फुला के बनाना है, यदि तो फिर हम लोग नाश्ता नहीं बना पाते। लेकिन सूजी ऐसा चीज़ है जो कि जब चाहें आप झटपट से इसका नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। खाने में भी बहुत ज़्यादा ये स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ पर नाश्ता के लिए आधे कटोरी सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे हमें जितना नाश्ता बनाना है उतना नाश्ता मिल जाएगा। आप ज़्यादा बनाएंगे तो तरीका देख लें और इसी तरीके से आप एक कटोरी दो कटोरी सूजी का भी नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। वीडियो को पूरा ही देख जाइएगा तभी आपको समझ में आएगा। नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पर लेना हमें छोटा वाला जार, और जार के अंदर डालेंगे दो कली लहसुन का। आप यदि लहसुन खाते हैं तो ही डालिएगा, नहीं खाते हैं तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। साथ में डालेंगे एक छोटा चम्मच के जितना जीरा, चम्मच भी देख लीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा छोटा वाला है। अब इसके अंदर डालेंगे एक छोटा टुकड़ा अदरक का, और साथ में एक हरी मिर्ची। मिर्ची थोड़ा ज़्यादा तीखा है तो एक ही डालेंगे। आपके पास थोड़ा कम तीखा वाला मिर्ची है तो आप दो से तीन भी डाल लीजिएगा। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, और इसी के साथ डालेंगे होममेड चाट मसाला। ये होममेड चाट मसाला है। आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो का लिंक दे दूँगी, तो आप लोग भी घर में बहुत ही ज़्यादा चटपटा वाला चाट मसाला बना के रख सकिएगा। अब इसके अंदर डालेंगे रोस्टेड चना एक से दो चम्मच, यदि आपके पास है तो डाल लीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और नहीं है तो आप मूंगफली के दाने भी इसमें डाल सकते हैं। और यदि मूंगफली भी नहीं है आपके पास, फ्रेश नारियल या नारियल का पाउडर है, बुरादा जिसे बोलते हैं, तो उससे भी आप दो चम्मच इसमें डाल लीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। साथ में इसमें डाल देंगे पानी, और थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे धनिया की पत्ती, और अच्छे से इसको एकदम से बारीक करके पीस लेना है। तो चलिए, यदि थोड़ा पानी और लगेगा तो थोड़ा पानी इसमें और डालेंगे और अच्छे से इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से बारीक होके पीस चुका है, और इसका इस्तेमाल हम लोग नाश्ते के अंदर भी करने वाले हैं। ये दो तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप नाश्ता के साथ इसको चटनी के जैसे खा सकते हैं। देखिए इसमें डालेंगे नींबू का रस, आप चाहें तो इमली यदि आपके पास पड़ा हुआ है तो जब आप पीस रहे हैं उस समय में इसमें इमली डाल सकते हैं खटास के लिए। अब इसमें दो चार बूंद सरसों का तेल यदि आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है कच्चा सरसों का तेल डालने से। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और ये बन के तैयार है हरे धनिए का पेस्ट। तो अभी इसको रखेंगे साइड में, और यहाँ पर ले लेना है हमें नाश्ता बनाने के लिए एक आलू ली हूँ, और आलू जो है ना उबला हुआ है। आप चाहें उबला हुआ आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं नाश्ता को बनाने में। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जो छोटा सा घंटी है उसे प्रेस कर लीजिएगा। इससे हमारे सारे ही वीडियोज़ को जैसे मैं अपलोड करूँगी ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप हमारे वीडियो को देख सकेंगे सबसे पहले। और कहाँ कहाँ से आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, इससे हमें अच्छा लगेगा ये जानकर के हमारे वीडियो को कहाँ कहाँ से हमारे दोस्त देख रहे हैं। अब अच्छे से इसको काट लेंगे छोटा छोटा, आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, और इस तरीके से इसका टुकड़ा भी कर सकते हैं। ये उबला हुआ आलू है तो इसको टुकड़ा ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक आलू जितना सूजी आपको दिखाई हूँ उतना के लिए एक आलू काफ़ी रहेगा। आप ज़्यादा सूजी लेंगे तो आलू का मात्रा दो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ले लेना हमें मिक्सर जार, और इसमें ये आलू को डालेंगे देखिए इस तरीके से, और इसके साथ ही डालेंगे थोड़ा सा पानी, और इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने से जो है आलू बहुत अच्छे से बारीक हो जाएगा, तो अभी नमक डालते हैं, और बाद में भी होगा तो थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अब इसमें डाल देंगे एक हरी मिर्ची तोड़ के,
थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर अदरक का टुकड़ा। इसमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता है ये वाले नाश्ता में, फिर भी नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। तो इस तरीके से अदरक को भी थोड़ा छोटा करके डालेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे 2 कली लहसुन का और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और अच्छे से ढक्कन लगा के इसको बारीक करके पीसेंगे। यदि पीसने में ना बने तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको पीसने में और क्या डालेंगे। तो अभी देखिए आलू को पीसे हैं, लेकिन इसमें देखिए गुलटे गुलटे सा टुकड़ा टुकड़ा सा है ही, तो ये अच्छे से पीस जाए इसमें डालेंगे 2 चम्मच के जितना दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टा है तो आप 1 चम्मच ही डाल लें, कम खट्टा है तो आप 2 चम्मच इसमें दही डाल लीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। साथ में डालेंगे पानी और इसी के साथ डाल देंगे सूजी। जितना आप सूजी ले रहे हैं उतना ही बराबर मात्रा में आपको ये वाले नाश्ता में पानी भी डालना है। तो बहुत अच्छा से ये नाप तोल इसका एकदम बराबर होगा, ना ही पानी कम होगा ना ही पानी ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ढक्कन में बहुत सारा लग गया था तो बाकी का पानी यहाँ डाल दी हूँ, और थोड़ा थोड़ा सा पानी करके डालिएगा, एक बैग पूरा पानी नहीं डालना है। यदि जार बड़ा है तो आप पूरा पानी एक बार डाल सकते हैं। अब अच्छे से इसको बारीक कर लेंगे। तो अभी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बारीक करके पीस ली हूँ। अब इसमें बिल्कुल भी आलू वाला जो टुकड़ा था वो नहीं बचा है, तो इसको निकाल लेना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखिएगा, नाश्ता बनाने में आसानी होगा। बहुत ज़्यादा पतला हो जाने से फिर नाश्ता हमारा अच्छे शेप का नहीं बनता है। अब थोड़ा सा जार में पानी डाल देंगे, क्योंकि पानी थोड़ा थोड़ा सा डाल के ही पीसी थी, तो जो बचा हुआ पानी है नाप से तो उसको जार में डाल के अच्छे से हिला लेंगे एक बार, उसके बाद ये पानी को भी इसमें डाल देंगे। नमक पहले इसमें डाल चुके हैं, नमक जो आलू पीस रहे थे उस समय में नमक इसमें पड़ा हुआ है, तो बाकी इसमें बचा हुआ है थोड़ा सा चाट मसाला इसमें डालेंगे हल्का सा, इससे बहुत अच्छा चटपटा हमारे नाश्ता के अंदर टेस्ट आएगा। और एक भी आलू का गुठली इसमें नहीं बचा हुआ है, तो इसी तरीके से आप लोग भी आलू का इस्तेमाल कीजिएगा इसके अंदर। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, इससे नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, और हल्का सा इसमें डालेंगे हल्दी, और साथ में जो हम लोग चटनी बना के रखे हैं धनिया वाला उससे 1 चम्मच इसमें डाल देंगे, तो बहुत अच्छा चटपटा सा फ्लेवर आ जाता है। और जो बाकी का बचा हुआ चटनी है उसको नाश्ते के साथ हम लोग खाएंगे। तो अच्छे से आप सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, और इसमें ना ही मीठा सोडा ना ही आपको इनो कुछ भी नहीं डालना है, लेकिन इसको अच्छे से फेंटिएगा जिससे कि ये थोड़ा सा फूल जाए नाश्ता, और जब आप बनाए तो एकदम से जालीदार नाश्ता बनके तैयार हो। और देखिए इस तरीके से आपको रखिएगा, ये जो नाश्ता है बहुत ही अच्छा चटपटा और झटपट से बनने वाला होता है। हम तो ना वीडियो बना रहे हैं ना, तो इसके लिए थोड़ा सा वीडियो में आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो मुश्किल से नाश्ता बनाने में 5 से 7 मिनट का समय जाएगा, और नाश्ता चटनी दोनों ही बनके तैयार हो जाएगा। अब ये घोल तैयार हो चुका है, अब चलिए फटाफट से नाश्ता को बना लेते हैं। नाश्ता बनाने के लिए पैन को चढ़ा दी हूँ चूल्हे पर। अब इसमें थोड़ा सा तेल लगा के इसको चिकना कर लेंगे। नाश्ता बनाने में हमें बहुत ज़्यादा तेल का भी ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा सा 2 से 3 बूंद तेल ही लगा। अब जितना तेल लग जाए पैन को चिकना करने में, और पैन को अच्छे से थोड़ा गर्म होने देंगे। आंच को बिल्कुल लो कर लेना है। अब इसमें बैटर को डालेंगे और हल्का सा इसको फैलाएंगे पैन। तो यहाँ पर 2 कलछी भर के डाल दी हूँ नाश्ते के बैटर को। नाश्ता आपको छोटा बनाना है तो आप कम इसमें डाल सकते हैं बैटर, और थोड़ा सा तेल चारों तरफ से डाल देंगे। जब नाश्ता हमारा एक तरफ से सीखेगा फिर इसको दूसरे तरफ से पलट के और थोड़ा अच्छे से पकने तक पका लेंगे। नाश्ता बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है, आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। जब ये अच्छे से ड्राई होगा फिर इसको दूसरे तरफ से पलट के और थोड़ा देर के लिए पका लेंगे। इसमें उबला हुआ आलू डला हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नाश्ता हमारा बनके तैयार होता है। तो इसी तरीके से सारे नाश्ता को बना लें, और बाद में इसका रोल रोल करके आप सर्व कर सकते हैं मीठी चटनी और जो धनिया की चटनी बना के दिखाई हूँ उसके साथ। नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा गजब का टेस्टी लगता है,
उम्मीद करूंगी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और देखते ही ये नाश्ता बनाने के लिए किचन की तरफ चल पड़ेंगे। देखिए कितना फ्लफी एकदम से स्पॉन्जी नाश्ता बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होता है। देखिए नाश्ता बनके तैयार हो गया है। इसी तरीके से आपको भी सेक लेना है और मनपसंद चटनी के साथ खाना है। जब ये ठंडा हो जाए तो नाश्ता को हम लोग इस तरीके से रोल रोल करके और सर्व करेंगे तो नाश्ता और भी ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है। देखिए इस तरीके से, जब गर्म रहे तो रोल मत कीजिएगा नहीं तो ये चिपक जाता है। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।